मास्टर चैन आ चुके हैं। वो देखो तो ये औरत कौन है। मिस्टर चैन, मैं आपके साथ एक डेट पर जाना चाहूँगी। गॉड, यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे ना एक डार्क रूम है मेरे बैकयार्ड में, क्या वो ठीक रहेगा? देखो तो तुम एक पूर्व लड़की को रुला रहे हो, ये तो सिर्फ एक मजाक था। मुझे ज़्यादा भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड भी पसंद नहीं है। मैं जा रही हूँ। रुको, अपना रोल मत भूलो, पर्सनल सेक्रेटरी। ये लड़का डेफिनेटली, इसके पास स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ की बीमारी है। VIP रूम 101, मैं तुम्हारा इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तुम स्विमिंग से ना? मैं मिंगयान हूँ और मैं एक सर्जन हूँ। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है वाह वाह। हम पहले मिले हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे नहीं पता तुम ऑलरेडी मिले हुए? तुम्हें दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना, तुम्हें एक दूसरे के लिए जाना पहचाना से करवा देता, राइट? मुझे लगता है तुम्हारे मेमोरी के में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें और खाना चाहिए, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स। ओके, नैव उन्हें ज़्यादा मत मानो, बड़े होने के नाते ही अभी भी एक चिल्ड्रंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। हाँ, तुम स्विमिंग से हो ना, राइट? क्या पिटी है ताकि तुम जिस चैंग के साथ फंसी हुई हो। अच्छा, ये शुरू हो रहा है गाइस, इसके बाल तो देखो, आई थिंक आर्थर ने ना एक मजाक क्रिएट करा है। क्या यहाँ पे कितना कुछ डैशिंग हैंडसम की तरह काओ है मेरी तरह? काओ डोंग, अभी भी तुम काओ ही रहोगे। ये दोनों सच में चाइल्डिश हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलो शांत हो जाओ। जो ग्लास ऑफ 82 चैंपियंस का टर्न आउट, ये लड़का मोस्ट मेच्योर है और बेस्ट स्मूथर है, स्मूथ कर रहा है यहाँ पे। क्या हुआ, ड्रिंक पसंद नहीं है? और ये फिर ड्रिंक नहीं कर सकती? मिडल मतलब बीच दिन में ये पी लेना क्या होगा अगर तुम ड्रंक हो गए तो? ये लड़का सच में जान बुझ के मुझे हार्ड टाइम दे रहा है। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो, तुम्हें 24 आवर्स रेडी होना होगा ड्रिंक करने के लिए। सो मेक श्योर, नॉनसेंस, एक पर्सनल सेक्रेटरी तुम्हारे पर्सनल ड्रिंकर नहीं है। 10 yen पर ग्लास पे, 50 yen पर बोतल पे, पैकेज के साथ कार्य है, तो मैं एब्सोल्युटली पीऊँगी नहीं। ना मिंगशो को फोर्स मत करो, एक लड़की को फोर्स कर रहे हो जो कि वो उस चीज़ करने पे जो वो चाहती नहीं है। वो एक सीओ लाइक नहीं चाहती बिहेवियर। डर गई हो? आई बैट तुम हिम्मत नहीं करोगे, इतनी स्वीट है ये, इस जूस का टेस्ट कर रहा है जिसमें शुगर ऐड करी हुई है। आप वो ड्रिंक नहीं करी, ये स्वीट फेवरेट चैम्पियन है ना, एक स्ट्रॉन्ग किक के साथ है। यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं है अल्कोहल का, बट ये कंपेयर करते एक सीरप है बॉटम अप। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास अब क्या कहने के लिए। नो, मुझे लगता है कि मिंगशन अब टिप्सी हो चुके। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते तुम बेटर है ज़्यादा पियो ना, ये अच्छा लुक नहीं है। क्या तुम और चाहती हो? सो मिंगशा, पीना बंद करो, तुम ड्रंक होने वाली हो। शैम्पेन ड्रंक करने के लिए ही तो बनी है मेरी प्रिंसेस। ये ओवर हो गया, अब मैं बाद में हैंडल कैसे करने वाला हूँ? मैं केयर नहीं करती, सिर्फ मेक श्योर कि तुम इसका ध्यान रखो, कोई भी अल्कोहल सिटीजन नहीं होगा। मैं सच में एक प्रिटी गर्ल को क्रेजी देखना चाहती हूँ कि वो अल्कोहल से कैसे क्रेजी जाती है। मेरे क्लब में वायरल मत हो, बिजनेस है ना वो ऑलरेडी बहुत बुरा चल रहा है। एवरीवन मुझे फॉलो करो, जंप जंप जंप, मूव लाइक मी। मुझे लड़की बहुत पसंद है, ये सिंगल हैंडल लिविंग कर रही है और जो एटमॉस्फेयर इसने बदल दिया है। नो, अपने फ्रेंड्स को ना और लेकर आया करो, ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। ले जाए मुझे दो, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा। मैं तुम्हें और पसंद कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, नई वाला एपिसोड यहीं तक आए थे तो मैंने अपलोड कर दिया। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।